ध्येय के लिए चार निमित्त है, ऐसा बताया। नामदेव मानने के लिए चार निमित्त है, उसमें जो पहला वाला निमित्त है वह उद्भिद आदि में उदाहरण बताया, कि उद्भिद आदि में मध्यवर्त लक्षणा भय से आप नामधेय मानेंगे। और वाक्य भेद से नामधेय के लिए कहा, और उसके बाद में तत्प्रख्या शास्त्र से अग्निहोत्र आदि के लिए कहा। तत्प्रख्या का अर्थ हुआ प्रख्या का क्या अर्थ है? तत्प्रख्या का अर्थ गुण शास्त्र की, उस याग के संबंध में गुण का विधान किया गया है तब उसको नाम माना जाता है। जैसा अग्निहोत्र के लिए है, उसका सर्वांग गुणों का विधान है, इसके कारण अग्निहोत्रम को तत्प्रख्या शास्त्र से नामधेय मानना चाहिए। इसी प्रकार समिधो यजति इत्यादि का भी तत्प्रख्या शास्त्र से ही गुण विधान माना गया है, तत्प्रख्या शास्त्र से नामधेय माना। वो नामधेय अलग है और उसी का देवता भी उसी में उसी नाम से है, तो अन्य विधान से देवताओं का विधान किया गया। अब जो है नामधेय के लिए तीसरा निमित्त है, चौथा निमित्त है, इसके संबंध में कहते हैं। शेनेनाभिजरन्यजेत इत्यत्र शेन शब्दस्य कर्म नामधेयत्वं तद्व्यपदेशात्। तदन्यथानुपपत्तेरिति यावत् तथा हि यद्विधेयं तस्य स्तुतिर्भवति यद्यत्र शेनो विधेयः स्यात् तदर्थावादैस्तस्यैव स्तुतिकार्या। अत्र यथा वैशेनो निपत्यादत्ते एवमयं द्विषन्तं भ्रातृव्यं निपत्यादत्त इत्यनेन अर्थवादेन शेनः स्तोतुं न शक्यः। अर्थान्तरस्तुते अभिचरण यजेता, यह वाक्य पहले आया, यह अभिचार कर्म के लिए कहा गया है। शेन नाम के याग से अभिचार करता हुआ यजन करे, यह वाक्य का अर्थ है। यह अभिपूर्वक चर धातु का प्रयोग है,
उसमें शस्त्रंध क्रिया है अभिचरण। शेन शब्दस्य कर्म नामधेयत्व तद्व्यपदेशा, यहाँ शेन शब्द का कर्म नामधेयत्व मानना चाहिए। शेनेना का अर्थ शेन नाम के याग से, ऐसा अर्थ करना चाहिए। वैसा तो शेन शब्द का अर्थ होता है पक्षी, एक बाज नाम की पक्षी है, वो मांसाहारी पक्षी है, तो वो पक्षी को शेन कहते हैं। तो शेन, अब शेन शब्द तो उसमें प्रसिद्ध है, तो उसके द्वारा करने पर वो शेन पक्षी का संबंध वहाँ दिखता है। अब किस प्रकार वो संबंध मानना है, शेन पक्षी के द्वारा करना है अथवा वो नामधेय मानना है। नामधेय मानना तो गुण विधान नहीं होगा, यानी शेन पक्षी का विधान नहीं होगा, ये कहने का तात्पर्य है। तो कर्म नामधेयत्व, ये कर्म का नाम ही है, शेन नाम का याग, शेन याग प्रसिद्ध याग है उसका, ऐसा ही अर्थ करना चाहिए। क्योंकि तद व्यपदेशा, उसका ही व्यपदेश हुआ। कि हम व्यपदेश शब्द का अर्थ अपने आप आगे कह रहे हैं कि व्यपदेश का मतलब यहाँ उपमान, तेन शेनेन उपमानेन व्यपदेशा तद व्यपदेशा, ऐसा अर्थ समझना, तस्य व्यपदेशा तद व्यपदेशा, तो यहाँ व्यपदेश किया उसके द्वारा, तो उपमान के द्वारा उसका व्यपदेश किया, शेन पक्षी के साथ उपमान करके उसका व्यपदेश किया। ये जो प्रस्तुत कर्म है ये शेन के साथ उपमित कर्म है, इसलिए उसको तद व्यपदेश, ये व्यपदेश का अर्थ उपमान संबंधी ही समझना चाहिए। उपमान संबंधी कोई शब्द आए वो उसका नाम होने लगेगा। तेन व्यपदेशात उपमानात तद अन्यथा अनुपपत्ते रिधियावत, उसके द्वारा व्यपदेश होने से, तेन व्यपदेशात उपमानात, व्यपदेशात शब्द का अर्थ उपमान किया, वी और अपपूर्वक दिश धातु से व्यपदेश बनेगा, उसका अर्थ किया उपमान, उपमानात तद अन्यथा अनुपपत्ते रिधियावत, वो अन्यथा उपपत्ति नहीं होने से, यदि उपमान रूप में नहीं लेने पर यहाँ इसके साथ याग के साथ उसका संबंध नहीं होता है। अन्यथा अनुपपत्ति, ये अर्थापत्ति है अन्यथा अनुपपत्ति, इसको कहते हैं श्रुता अर्थापत्ति, तो सुना गया है इसलिए ऐसा लेना पड़ेगा। तो शेन से याग करने के लिए कहा, तो शेन से साक्षात याग संभव नहीं, तो उसके उपमान रूप से उसको लेना पड़ेगा। तो शेन पक्षी के साथ ये याग का कुछ उपमान उपमेय संबंध होगा। यथा हि यद विधेयम तस्य स्तुतिर भवति, वो वैसा इसका विस्तार तो ये है, जो विधेय होता है उसकी स्तुति होती है। विधेयस्य स्तुतिर्वा निंदा वा, ऐसा होता है, कुछ विधेय में स्तुति की जाती है और कुछ विधेय में दूसरे की निंदा भी की जाती है। उस विधेय का निंदा या स्तुति तो उसके साथ संबंध करेंगे, जैसा अर्थवाद है, अर्थवाद का विधि के साथ संबंध होगा, क्योंकि अर्थवाद सुदीर्वा निंदा वा, पहले कहा निंदा रूप या स्तुति रूप में अर्थवाद होता है। तो यहाँ विधेय है याग, उसकी ही स्तुति हो जाती है। ये क्या यहाँ विधेय है, तो यदि अत्र शेनो विधेय स्या, यदि शेन पक्षी यहाँ विधेय होता तो तदर्थवाद ही तस्यैव स्तुति कार्य, तब तो वो शेन पक्षी की ही स्तुति होनी चाहिए थी। जो अर्थवाद वाक्य आ रहा है आगे, उसका उसका संबंध शेन पक्षी के साथ होना चाहिए था, किंतु शेन पक्षी की स्तुति नहीं की जा रही है, वो याग और याग का फल का वहाँ वर्णन है, इसलिए इस शेन विधेय यहाँ नहीं है, विधि का विषय नहीं है। यथा वै शेनो निपदत्ति आदत्ते निपत्ति आदत्ते एवं अयम द्विषंदम भ्रातृव्यम निपत्ति आदत्त, यही उसका उपमान के साम्यता दिखा रहे। जैसा शेन पक्षी ऊपर से ऐसा नीचे आकर के उसको पकड़ लेता है, उसके जो भी आहार है उसको ले लेता है, यथा वै शेनो निपत्य आदत्ते, ग्रहण करता है, एवं अयम उसी प्रकार
दुष्यंतम भ्रातृव्यम, जो द्वेष करने वाले शत्रु है, ये भ्रातुः पुत्रः भ्रातृव्यः ऐसा होता है, या शत्रु रूप से उसको रूढ़ी कर दिया गया कि जितने भाई के पुत्र होते हैं सारे शत्रु होते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन कोई होता है भतीजे जो होते हैं वो तो सभी शत्रु होंगे ऐसा नहीं, कोई कोई शत्रु होता है, इसलिए शत्रु शब्द के लिए भ्रातृव्यम कहा गया। एवं अयम दुष्यंतम द्वेष करने वाले भ्रातृव्य को निबत्त आदत्ते, तुरंत पकड़ लेता है, जैसा वो ब्याज पक्षी करता है उसी प्रकार ये याग का फल भी करेगा। इसके कारण इसका दोनों का उपमान उपमेय भाव संबंध है, और वो जो वेदी शेन याग में बनता है वो भी वो शेन पक्षी के आकार में रहते हैं, बहुत बड़ी जो है वेदी है बहुत विस्तार से बनाते हैं, तो शेन पक्षी के आकार में रहता है, ये भी उसका कारण है। तो ऐसा दोनों कारण से उसको शेन के साथ संबंध करके कहा गया है, ये अर्थवाद वाक्य आया। ये अर्थवाद वाक्य शेन के स्तुति में नहीं लग रहा, शेन के स्तुति में तो यथा वही शेनो निबत्य आदत्ते ये कह रहा है, किंतु ये आग के फल के रूप में कह रहा है, तो इसीलिए इत्यनेन अर्थवादेन, इस अर्थवाद के द्वारा शेन स्तोतुम न शक्यः, ये शेन के स्तुति मानना संभव नहीं है, शेन का स्तुति ये है ही नहीं, ऐसे में यहाँ शेन विधे नहीं है। शेन उपमानेन अर्थांतर स्तुते है क्रियमाणत्व, यह स्पष्ट है कि शेन को उपमान बना करके अर्थांतर की स्तुति की जा रही है, यहाँ अर्थांतर याग आदि है उसकी स्तुति की जा रही है, इसीलिए याग ही विधेय है, शेन पक्ष यहाँ विधेय नहीं। न जेनोपमानत्वेन स एव स्तोतुं शक्यते, उपमान उपमेय भावस्य भिन्ननिष्ठत्वात्, यदा दुष्येन सम्यको यागो विधीयते तदर्थवादेन शेनोपमानेन तस्य स्तुतिकर्तुं शक्यत इति, शेन शब्दः कर्मनामधेयं तद्व्यपदेशादिति। शेन उपमानत्वेन स एव स्तोतुं शक्यते, तो शेन के उपमान से उसी की ही स्तुति नहीं की जा सकती। शेन न च शेन उपमानत्वेन, शेन का उपमान दिया और शेन को ही स्तुति कर रहे हैं, शेन कैसा है शेन जैसा है ऐसा होता नहीं है, इसलिए शेन उपमानत्वेन स एव स्तोतुं शक्यते, वही स्तुति उसी की हो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि वो पूर्व में जो अर्थवाद वाक्य आया यथा वै शेनो निपत्य आदत्ते इत्यादि अर्थवाद में उस शेन के वहाँ उपमा दी जा रही है, तो वो उपमान संबंध से शेन को ही स्तुति करें, शेन की उपमा और शेन की स्तुति ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि उपमान उपमेय भाव से भिन्न निष्ठत्व ऐसा देखा गया है कि उपमान और उपमेय भिन्न निष्ठ होता है, अलग अलग की स्तुति की जाती है, कोई उपमा दे करके किसी अन्य की स्तुति होती है, जिसकी उपमा देते हैं उसी की उसी से स्तुति हो ऐसा नहीं है, जैसा राम जी कैसा है राम जी जैसा है ऐसा नहीं होता, ऐसा कहना तात्पर्य नहीं है। एक यदा तु शेन सम्यगो यागो विधीयते, यदि शेन नामक याग का विधान मान लिया जाता है तब तद अर्थवादेन, उसके अर्थवाद रूप से जो पूर्वोक्त वाक्य है उसके स्तुति रूप से शेनोपमानेन तस्य स्तुति कर्तुं शक्यता, तो शेन का उपमान देकर के उस याग की स्तुति
की जा सकती है, क्योंकि पूर्व में शेनेन अभिचरण यजेत आया, उसके बाद में अर्थवाद उसकी स्तुति कर रहे हैं, तो उसका मतलब शेन का संबंध से वो नाम ग्रहण करके वो याग की स्तुति है। तुकमानुपमेय भाव से शेन की स्तुति करने के लिए कोई विधेय यहाँ नहीं है, उसके लिए कोई प्रमाण नहीं है। इसीलिए शेन शब्द कर्म नामधेयम तद्व्यपदेशादिति, इसीलिए शेन शब्द को कर्म का नामधेय मानना चाहिए, तद्व्यपदेश शास्त्र से उसके द्वारा उपमा दिए जाने के कारण, उपमा संबंध उपमान उपमेय संबंध से वहाँ ऐसा मान लिया जाता है। किंतु कहीं कहीं ऐसा सुना जाता है कि जहाँ अनन्वय उपमान का प्रसक्ति है, एक अनन्वय उपमान करके होता है, एक ही को एक उसी का संबंध करके बोला जाता है, जैसे गगनम गगनाकारम सागरम सागरोपमम, राम रावणयोर युद्धम राम रावणयोरिव, ऐसा एक प्रसिद्ध श्लोक है। इसमें गगन को गगन की उपमा दी गई, आकाश कैसा है, आकाश जैसा है, सागर कैसा है, सागर के समान ही है, सागर तो सागर जैसा है, सागर का दूसरा कुछ है ही नहीं। इसी प्रकार राम रावणयोर युद्धम राम रावणयोरिव, राम और रावण का युद्ध भी राम रावण का जैसा ही है, उसके पहले भी ऐसा कोई युद्ध नहीं हुआ, उसके बाद में भी कैसा युद्ध नहीं हुआ। इस प्रकार से एक श्लोक प्रसिद्ध है, इसमें जैसा है वैसा यहाँ हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो कहते हैं यहाँ वो संभव नहीं है, क्योंकि अनन्वय जो संबंध करके भी यहाँ लाने पर धर्म ऐक्य आवश्यक होता है, धर्म ऐक्य आवश्यक है, यहाँ धर्म ऐक्य है ही नहीं, वहाँ सागर सागर के जैसा ही है, क्योंकि सागर में दो धर्म है, दोनों में समान है, यहाँ धर्म ऐक्य दोनों का नहीं है। जैसा शेन में जैसा धर्म है वो सारे याग में है ही नहीं, शेन तो एक पक्षी है, वो मछली आदि को पकड़ता है अपने खाने के लिए, जो भी पकड़ता है वो खाता है, तो उसका आदान करने में है, और इस प्रकार से यहाँ संबंध नहीं किया जा सकता, इसीलिए ये दोनों में एक करके नहीं मान सकते। ये उपमान उपमेय को एक करने को अनन्वय कहते हैं, अनन्वय संज्ञा दी गई है, ये साहित्य दर्पण आदि में इसका ऐसा नाम दिया गया, उपमान उपमेयत्व एकस्यैव तु अनन्वयः, उपमान और उपमेय को एक को करते ही बहुत कम है, किंतु ऐसा किया जाता है तो अनन्वय कहते हैं उसका। जैसा आत्मा कैसा है पूछने से, आत्मा आत्मा जैसा ही है, आत्मा जैसा कोई और है नहीं, ब्रह्म कैसा है, ब्रह्म जैसा ही है, ब्रह्म का और कोई उपमा नहीं दी जा सकती है, तो ऐसा होता है कहीं ना कहीं, किंतु विशेष धर्म लेके नहीं होता, समान धर्म लेकर के होता है, इसके कारण यहाँ उसको नहीं ले सकते, क्योंकि शेन पक्षी का जैसा स्वभाव है वैसा सब याग का स्वभाव नहीं, शेन पक्षी का एक गुण है, विशेषता है, उसके साथ याग का संबंध है, शेन पक्षी जैसा निपत्य आदत्ते, जैसा एकदम ऊपर से नीचे आकर के वो अपने जो खाद्य वस्तु है उसको पकड़ लेता है, झपेट लेता है, इसी प्रकार यहाँ भी याग में भी झपेट लेता है, अपने शत्रु को पकड़ लेता है, ऐसा उतना शक्तिशाली है, ऐसा इसका इतने ही साथ उसका संबंध है, अन्य कोई इसमें विशेष बात नहीं, इसीलिए ये उपमान भाव से ईश्वर याग को नाम मानना चाहिए का। आगे ये चार प्रकार का कर्म नामधेयत्व के लिए निमित्त बताया, और कोई एक पक्ष में एक और निमित्त बता देते हैं, अब उसके विचार करते हैं। कर्म नामधेयत्व में उत्पत्ति शिष्ट गुण विलीयस्त, एक पांचवा गुण माना है, उत्पत्ति विशिष्ट मान उत्पत्ति विशिष्ट गुण विलीयत्व, उत्पत्ति शिष्ट गुण बलीयस्त्वमपि पंचमं नामधेय निमित्तमिति केचित्।
यथा वैश्वदेवेन यजेत इत्यादौ अत्र उत्पत्ति शिष्टाग्न्यादीनां बलीयस्त्वाद् वैश्वदेव शब्दस्य विश्वदेव देवता विधायकत्वं न संभवतीति कर्मनामधेयत्वम् उत्पत्ति शिष्ट गुण बलीयस्त्वमपि उत्पत्ति विधि के द्वारा निर्दिष्ट शिष्ट का निर्दिष्ट उत्पत्ति विधि पहले बताया। उत्पत्ति विधि क्या है? उत्पत्ति विधि ऐसे उत्पत्ति विधि के द्वारा जो उपदिष्ट गुण है उसका बलीयस्त होने से, उसके विशेषता रहने से, तो उसका जो गुण है वो उत्पत्ति विधि के द्वारा ही मालूम हो, ऐसा रहने स्थिति में उत्पत्ति शिष्ट गुण बलीयस्त्वमपि, ये एक कारण है। तो उत्पत्ति शिष्ट गुण बलीयस्त के कारण पंचमम नामधेय निमित्त विधि के पंचम नामधेय मानना चाहिए, ये मैंने नामधेय के लिए पांचवा निमित्त है ऐसा मानना चाहिए। एक भी एक निमित्त है उत्पत्ति शिष्ट गुण बलीयस्त्व, एक और निमित्त है ऐसा कुछ लोग मानते हैं। इसका मतलब ये कर्म उत्पत्ति वाक्य में कर्म के साथ उपदिष्ट जो गुण है और उसका उत्पन्न वाक्य के साथ जो संबंध है उसका गुण का निवेश उसके साथ हो जाता है, तो उत्पन्न वाक्य के साथ गुण का जो विशिष्ट जो उपदेश विधान किया गया गुण का संबंध सीधा नहीं होने के कारण उत्पन्न वाक्यगत जो पद है वो नामधेय हो जाएगा, ये कह रहा तात्पर्य। का मतलब दोनों का साथ विधान करने पर भी वो दोनों का अलग अलग लेना संभव नहीं, उत्पन्न वाक्य में जो शिष्ट गुण है उसका अलग से लेना संभव नहीं, ऐसे स्थिति में उत्पन्न वाक्य गद जो पद है वो नामधेय हो जाता है, अलग से विधान मिलना चाहिए। अब उसके लिए ये कहते हैं कि ये केजित ऐसा किसी के मान्यदार है, मैंने अन्य कोई व्याख्याकारों ने ऐसा मान्य किया है। ये न्याय सुधा नाम के एक ग्रंथ है, ये मीमांसकों का ग्रंथ है, ये तंद्रवार्ती की व्याख्या न्याय सुधा, उसका जो कर्ता है भट्ट सोमेश्वर, तो भट्ट सोमेश्वर का ये मत है, उन्होंने ये प्रस्तुत किया। उदाहरण के लिए दिया यथा वैश्वदेवेन यजेद इत्यादि, वैश्वदेवेन यजेद इत्यादि उदाहरण है। उत्पत्ति शिष्ट अग्नि आदि नाम बलीयस्त्वा, उत्पत्ति विधि में निर्देश किया गया जो अग्नि आदि है इनका बलवान होने के कारण, इनको उत्पत्ति विधि के संबंध में भी अग्नि आदि का विधान है, टीका में दिया है विस्तार से। वैश्वदेव शब्दस्य विश्वदेव देवता विधायकत्वं न संभवति, इसीलिए वैश्वदेव शब्द का विश्वदेव, विश्व एक देव विश्वदेव है, तो विश्वदेव देवता विधायकत्व, विश्वदेव देवता विधायकत्व होगा तो गुण विधि हो जाएगा, तो गुण विधि नहीं हो सकता है, न संभवति इति कर्मनामधेय, ये संभव नहीं होता है, इसके कारण इसको वैश्वदेवेन ये वैश्वदेव संज्ञा को नाम मानना, क्योंकि यहाँ तद्धित है कि पहले कहा गया है जो तद्धित है और संप्रदान है मंत्र है तीनों से देवता का नाम होता है, तो ये विश्वदेवस्य एवं वैश्वदेवा, इस प्रकार से ये तद्धितान्त अण प्रत्यय लगाएंगे तो वैश्वदेव हो जाएगा, तो वैश्वदेव देवता हो विश्व देवता संबंधी हो तो गुण विधान वहाँ रहा है देवता के नाम से, ऐसे में गुण विधायकत्व न संभवति, इसमें गुण विधायकत्व नहीं है, ऐसा करने पर ये विश्व वैश्वदेव क्या हो जाएगा कर्म नामधेय। सामान्य रूप से ये क्या आ रहा है,
वैष्णदेव संबंधी है ऐसा पता चल रहा है, तो इसका गुण विधान अलग से प्राप्त होता है, तो उसका बलि इसमें रहने से ये दोनों का एक नहीं माना जा सकता। इसके लिए नीचे वो टीका में ये संक्षिप्त रूप में कहा है, अत्र इदं बोध्यम्, संस्कृत टीका चातुर्मासे चत्वारि पर्वाणि, चातुर्मास्य नाम के एक याग है, चार महीने में चतुर्षु चतुर्षु मासेषु भवानी चातुर्मास्यम, चातुर्मास्य नाम का कर्म है, चार चार महीने में होते हैं, तो चार चार महीना मिला करके ये किया जाता है चातुर्मास्य, यही चातुर्मास्य को बाद में ये अनुष्ठान रूप में चातुर्मास्य माना गया, चार चार महीने में होते हैं और उसमें अनेक यागों का विधान है उस समय चातुर्मास्य में, तो चत्वारी पर्वाणी चार पर्व है, जैसे वैष्णदेव चार पर्व माने चार संबंधी याग है वहाँ कार्य है, वैष्णदेवो वरुण प्रकाश सागमेध शुनासीरियच्च इति, ये चार है वहाँ, तेषु प्रथमे पर्वणि अष्टौ यागाः विहिताः, उसमें जो प्रथम भाग है उसमें आठ याग का विधान किया गया है, आग्नेयमष्टाकपालं निर्वपति एक है, इसका पहले उदाहरण आया था, और सौम्यम चरु ये दूसरा है, सावित्रम द्वादश कपालं सविता संबंधी, सारस्वतम चरु सरस्वती संबंधी, और पौष्णम चरु और मारुदम सप्तकपालम और वैश्वदेवी मामिक्षा, ये है विधान, वैश्वदेवी आमिक्षा, आमिक्षा का पहले कहा था वाजिनव और आमिक्षा, वाजिनव और आमिक्षा क्या है, हाँ जब दूध गर्म करके उसमें दही डाला जाता है वो उसको फाड़ देते हैं तो उससे जो प्राप्त होता है एक वाजी है एक आमिक्षा, तो आमिक्षा उससे जो निकलेगा वो आमिक्षा है, और बाकी शेष को वाजी वाजिभ्यो वाजिनम ये पद आया था, तो बाकी वो वाजी कहते हैं उसको, इसको दो भाग होता है एक पानी भाग और ये इसमें, तो दोनों हो जाता है, तो ये कहा गया है वहाँ ध्यावा पृथिव्या मेघ कपालमिति तेषाम अष्टानाम सन्निधौ इदम् आम्नायते, अब ये जो छह विधान किया गया है इसमें देखिए एक में वैश्वदेवी मामिक्षा में कहा गया, इसके सन्निधि में ये वैश्वदेवेना यजेदा इत्यादि पढ़ा गया है, ये संदर्भ से वहाँ इसको लिया है, इसका मतलब अलग से वहाँ गुण विधान किया है, वो गुण विधान होने के कारण इसमें अलग से संबंध नहीं करना चाहिए। ये अब ये केचित करके कहा है, इसका मतलब इसके साथ पूरा सम्मति ग्रंथकार का नहीं है, ग्रंथकार और किसी के अनुकरण कर रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं वस्तुतस्तु तत् प्रख्या शास्त्रादेवास्य कर्म नाम ध्येयत्वम्, प्रकृतयागे विश्वदेवरूपगुण संप्रतिपन्न शास्त्रस्यार्थवादरूपस्येव सत्त्वात्, यद्विश्वे देवाः समयजन्त तद्वैश्वदेवस्य वैश्वदेवत्वम् इति, वस्तुदस्तु वास्तविक में तो तत्प्रख्या शास्त्रादेव अस्य कर्मनामधेयत्वम्, ये इसका जो कर्मनामधेयत्व जो है तत्प्रख्या शास्त्र से हो जाएगा, क्योंकि तत्प्रख्या शास्त्र में जो कहा गया है यही कहा है, उसका गुण विधान अन्य होने से उसका नाम होता है जैसा अग्निहोत्रम जुहोति में हुआ वैसे ही यहाँ भी है, यहाँ वैश्वदेवी मामिक्षा ये गुण विधान अलग से आया, इसके कारण ये नामधेय तत्प्रख्या शास्त्र से ही हो जाएगा,
ये पार्थसारथी मिश्र का ये मत है, तो इसलिए इनका पार्थसारथी मिश्र के अनुसार ये कह रहे हैं, क्योंकि अनेक देवताओं को वहां विधान किया गया, तो विशेष देवताओं को जो सबका मिला करके बोलने से ये तत्प्रख्या नाम से ही ये हो जाएगा। अलग अलग आठ का विधान किया है उसमें ये भी आ गया है, तो तत्प्रख्या शास्त्रादेव अस्य कर्म नाम ध्येयत्व, इसका कर्म नाम ध्येयत्व इसके कारण हो जाएगा। तो ये अलग उत्पत्ति शिष्ट गुणा बलियस्त नाम के अलग कर्म नाम ध्येयत्व मानने के हेतु मानने की आवश्यकता नहीं, पांचवा हेतु की आवश्यकता नहीं है, ये चार में ही काम हो जाएगा। प्रकृत यागे विश्वदेव रूप गुण संप्रतिपन्न शास्त्रस्य अर्थवाद रूपस्येव सत्वा, क्योंकि ये प्रकृत याग में ये जो वैश्वदेव याग में विश्वदेव रूप गुण, विश्वदेव रूप गुण चाहिए, विश्वदेव जो वहां देवता है ये भी एक गुण है, तो विश्वदेव गुण के संबंध करने के लिए संप्रतिपन्न शास्त्रस्य अर्थवाद रूपस्येव सत्वा, संप्रतिपन्न जो दोनों पक्ष जिसको मानते हैं उसको संप्रतिपन्न कहते हैं। अभी दो पक्ष हो गया, एक पांचवा मानने वाला एक पांचवा नहीं मानने वाला, किंतु एक शास्त्र ऐसा आता है दोनों उसमें देवता का विधान स्वीकार करते हैं, ऐसा एक अर्थवाद आता है, क्योंकि अर्थवाद को भी तत्प्रख्यात तो स्वीकार किया गया, अर्थवाद भी तत्प्रख्या शास्त्र के अंतर्गत है ऐसा सिद्धांत में स्वीकार किया गया है, इसलिए इसको अर्थवाद को भी ले रहे हैं कि गुण विधान होने के लिए कहा था, गुण विधान के लिए अलग गुण का विधान होना चाहिए, किंतु कहीं कहीं अर्थवाद से भी वो गुण विधान मान लिया जाता है, ऐसा तत्प्रख्याया एव सर्वेषां नामधेयत्वम् इत्यादि वार्तिककार कहते हैं, तो इसीलिए यहाँ गुण विधान अर्थवाद से भी लिया जाता है, तो अर्थवाद में विश्वदेव का गुण विधान अलग से दिया गया है, तो अर्थवादस्येव सत्वा, ऐसा अलग से अर्थवाद होने के कारण। तो क्या हो गया, एक तो द्रव्य रूप गुण विधान विश्वदेवी मामीक्षाम ये कर रहा है, और देवता रूपी गुण का विधान अलग से कर रहा, तो देवता भी आ गया द्रव्य भी आ गया, यहाँ तो वैश्वदेव में दो अर्थ ले सकते थे, देवता लेना या गुण लेना, तो देवता के लिए कह रहे थे, तो देवता का विधान भी अलग से प्राप्त होता है, अर्थवाद से उपलब्ध है वो। यद विश्वे देवाः समय दंदा तद वैश्वदेवस्य वैश्वदेवत्वम्, ये कि जो कि विश्वे देव नाम के जो अग्नियादि देवता, विश्वे देवता ये अग्नियादि देवता है, तो विश्वे देवा अग्नियादि अष्टयाग में जो विधान किया गया इतने जो देवता है, तो इनके सबके अनुष्ठान करने के बाद ये अंत में इसका अनुष्ठान किया जाता है, इसलिए विश्व देवताओं के द्वारा संबंध विश्व देव के द्वारा किया गया होने से इसको वैश्व देव नाम के याग कहा, यही समझना कि विश्व देवता ये अग्नियादि देवता है जो आठ देवताओं को यहाँ गिनाया गया जिनका क्रम से हो रहा, इनके द्वारा इसका अनुष्ठान हो गया इसके कारण इसको अर्थवाद में कहा, ये कह रहे हैं ना यद विश्वे देवा समय जंद, विश्वे देवताओं ने जिन इस याग का यजन किया था इसीलिए तद वैश्वदेवस्य वैश्वदेवत्वम स्पष्ट कह रहा है, इसलिए इसको वैश्वदेव याग कहा गया है, उसका नाम ऐसा ग्रहण किया गया, इससे ये स्पष्ट है कि इससे देवता का ग्रहण भी नहीं होना है, देवता का विधान भी अलग से हो गया, इसलिए ये कर्म नामधेय ही है, गुण विधान नहीं है, और बाकी तीनों शास्त्र से या तत्प्रख्या तत्प्रख्या शास्त्र से इसको नामधेय मान सकते हैं, ये अलग से इसको नामधेय मानने के लिए निमित्त लेने की आवश्यकता नहीं, ये प्रासंगिक एक और का विधान किया गया। अब जो है विधि मंत्र नामधेय तीन का विचार हो गया, अब निषेध और अर्थवाद रह गया, इसमें निषेध एक मुख्य है क्योंकि निषेध संबंधी विधि को समझने के लिए कुछ विशेष विचार की आवश्यकता है, मंत्र और नामधेय सरल है, विधि की ज्यादा व्याख्या हो गई क्योंकि विधि विस्तार से है, इसके कारण विधि को पहले विस्तार से बताया, नामधेय ये इन चार निमित्तों से नामधेय माना जाता है, और मंत्र का वो लक्षण दिया और मंत्र किन कारण मंत्र मानना चाहिए वो भी निमित्त वहाँ बता दें।
अब निषेध शास्त्र, ये भी वेद में बहुत सारे वाक्य ऐसा आता है निषेध मुख से आता है, ना लगा करके, नया आदि लगा करके, नए समास घटित हो या ना लगा करके, अव्यय लगा करके हो, इस प्रकार से अनेक वाक्य आता है। तो इनके संबंध में विचार करना, इनका प्रयोग विधि में कैसे होगा। अब कभी ये अर्थवाद रूप में आएगा तो निंदा और स्तुति के रूप में अर्थवाद दोनों है तो वो विधि का ही पोषक होगा, ये आगे बताएंगे। किंतु और कभी करने की दृष्टि से, नहीं करने की दृष्टि से भी आता है, तो नहीं करने की दृष्टि में जब आएगा तो उसका क्या तात्पर्य लेना, इसके लिए ये निषेध विभाग को अलग करके वेद का विभाग में रखा। पुरुषस्य निवर्तकं वाक्यं निषेधः, निषेधवाक्यानामनर्थहेतुक्रियानिवृत्तिजनकत्वेनैवार्थवत्वात्। तथा हि यथा विधिः प्रवर्तनां प्रतिपादयन् स्वप्रवर्तकत्वनिर्वाहार्थं विधेयस्य यागादेरिष्टसाधनत्वम् आक्षिपन् पुरुषं तत्र प्रवर्तयति। तथा न कलञ्जं भक्षयेदित्यादि निषेधोऽपि निवर्तनां प्रतिपादयन् स्वनिवर्तकत्वनिर्वाहार्थं निषेध्यस्य कलञ्जभक्षणस्य परानिष्टसाधनत्वमाक्षिपन् पुरुषं ततो निवर्तयति। पुरुषस्य निवर्तकं वाक्यं निषेधः, जो प्रवृत्त हुआ पुरुष को निवृत्त करने वाले वाक्य को निषेध करते, क्योंकि प्राप्तस्य ही निषेधः, ये प्राप्त होता है तभी निषेध होता है, उसमें स्वाभाविक प्रवृत्ति से अथवा भ्रम से प्रवृत्त होता है, कोई कार्य करने के लिए प्रवृत्त हुआ तो पुरुषस्य निवर्तकम्, वो ऐसा प्रवृत्त हुआ जो पुरुष है उसको निवर्त करेगा, इसी वजह से भी आपकी भावना होती है निवर्तक रूप से होगा, उसको विधेय के साथ संबंध करेगा, तो ऐसा पुरुषस्य निवर्तकम् वाक्यम निषेधा। तो ये पुरुष तंत्र के अधीन बता रहे कि ये इसके अधीन जो कार्य करना चाहिए उसका निवर्तन करता है, और अन्यत्र जब करेंगे तो अर्थवाद होकर के विधेय के साथ उसको संबंध करेगा, तो मना करता है, मनाई है, जितने भी मनाई है वो निषेध वाक्य, जैसा उसकी व्याख्या कर रहे हैं निषेध वाक्याना अनर्थ हेतु क्रिया निवृत्ति जनकत्वेनैव अर्थवत्व। अब बोलते हैं कि निषेध वाक्य तो अभावात्मक होता है, ये मत करो बोलने से क्रिया का संबंध नहीं हुआ, इसलिए इससे क्या पुरुषार्थ सिद्ध होगा। अब कोई चीज खाने के लिए कहा वो खाएंगे तो पुष्टि होता है, पुरुषार्थ सिद्ध होता है, और नहीं कहेंगे, नहीं खाने के लिए कहा तो उससे कोई पुष्टि होती नहीं है, पुरुषार्थ उससे क्या सिद्ध होगा, कोई प्रयोजन नहीं दिखता है निषेध वाक्यों का, पुरुषार्थ का संबंध नहीं दिखता है, नहीं करने के मात्र कहा उतने से क्या होगा, इसके लिए बोल रहे हैं इसका भी प्रयोजन है। निषेध वाक्याना, निषेध वाक्यों का भी अनर्थ हेतु क्रिया निवृत्ति जनकत्व,
अनर्थ का कारण बनने वाली जो क्रियाएं हैं, जो आप करने से आगे आपका पूरा पुरुषार्थ नष्ट होता है, ऐसी जो क्रियाएं हैं आपको अभी मालूम नहीं है कि इसका परिणाम क्या होता है। वेद को शास्त्र को मालूम है, जैसा आजकल साइंस है साइंस को भी मालूम है, कई चीज़ों को खाने के क्या परिणाम होता है वो बता देते हैं, कि हमको मालूम नहीं है, हम कभी गलत सलत खा लेते हैं और उससे परिणाम होने के बाद भी ये इसके कारण परिणाम हुआ ये भी हम नहीं जानते, इसलिए हम मानते भी नहीं है, ऐसा कई बार होता है। इसका विधान वेद करता है, अब हमको अच्छा लगे रोचक लगे किंतु आगे जाके वो अनर्थ का कारण बनेगा, ऐसा होता है। ये विधि निषेध को माने बिना शास्त्रीय जीवन संभव नहीं है। शास्त्रीय जीवन का अर्थ विधि निषेध को मानना ही है, यदि आप विधि निषेध को नहीं मानने को तैयार है तब तो शास्त्रीय जीवन में जाना नहीं चाहिए। जैसा सब पशु पक्षी के समान जी रहे जी सकते हैं, उससे जो पाप होगा पुण्य होगा जो होगा होगा, जब आप जीने के लिए तैयार हुआ तो उसको मानना पड़ेगा, नहीं तो उसमें जाना नहीं चाहिए। जैसा आप कोई आश्रम विहित कर्म कर रहे हैं, ब्रह्मचारी है या सन्यासी है गृहस्थ है कोई भी धर्म, उसमें आप आ गया उसका वेशभूषा धारण कर लिया स्वीकार कर लिया कि हम ऐसा किएंगे, स्वीकार करने के बाद उसका पालन जरूर करना, यदि नहीं करेंगे तो प्रतिदिन आपको पाप लगते हैं और आपकी बुद्धि गिरती जाए। पाप लगने का पहले दोष ये है कि आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती, बुद्धि ठीक चीज़ को समझेगी नहीं, बाकी शरीर तो हृष्ट पुष्ट होगा, शरीर देखने से अच्छा लगेगा स्वास्थ्य देखेगा वो सब रहेगा, खाएंगे पिएंगे ताकत रहेगा तो वो तो हो जाता है, जब अच्छी चीज़ें खाएंगे तो शरीर पुष्ट होगा वो बात अलग है, किंतु बुद्धि से जो काम होना था बुद्धि का प्रयोजन नहीं हो पाएगा, इधर उधर हो जाता है। तब ऐसा होने पर आपको समझना है कि कहीं ना कहीं हमारा कोई गलती हो रहा है, इसके बिना वो ऐसा हो नहीं सकता, गलत ये किए बिना, जैसा अभी कोई गलत चीज़ खाया या कुछ ऐसे समय का अनुसार वातावरण के अनुसार कुछ भी होता है तभी तो आपको रोग होता है, तो रोग बिना निमित्त से रोग नहीं होता है, और शरीर भी बहुत प्रयत्न करते हैं रोग को रोकने के लिए, अब जब उसका प्रयत्न फेल होता है तब रोग बाहर आता है। इसका मतलब क्या है, ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग निमित्त बहुत दृढ़ कोई निमित्त आपके अंदर घुस गया जो शरीर भी साफ नहीं कर पा रहा, ऐसे में वो प्रकट होता है। इसी प्रकार आपका मन भी ऐसा है, मन में भी ऐसे कोई पाप घुस जाता है कभी कुछ गलत होता है तब आपका मन विचलित होता है, स्वाभाविक रूप से मन विचलित नहीं होता। आपको किसी से शत्रु भाव होता है वो स्वाभाविक नहीं होता, मित्र भाव स्वाभाविक है फिर शत्रु भाव स्वाभाविक नहीं होता, कोई कारण होता है वो कारण आपके अंदर घुसने के बाद किसी से शत्रु भाव होता है। इसी प्रकार यहाँ ऐसा समझना चाहिए, तो उसका निवारण करने के लिए शास्त्र बोलता है तो उसको मान लेना चाहिए, तो समझे ना समझे स्वीकार करके ऐसा करने पर आपका बुद्धि ठीक हो जाती है, आप जो करना चाहते कर सकता है, लेकिन इधर उधर गोलमाल करने से कोई फायदा नहीं। यही कह रहे हैं कि अनर्थ का हेतु है करके वो जानता है, इसलिए वो क्रिया से आपको निवृत्त करना चाहता है, आपको गलती में नहीं फंसाना चाहता। अब वो जानबूझ के आप जा रहे हो बात अलग है, फिर आप बेवश होकर के जाएंगे तो फंसेगा, जो पाप होगा वो भी बताएगा देखो ऐसा करेगा तो ऐसा परिणाम होगा, अब वो सुनते हुए भी आप जा रहे हैं तो आपका जो है उतने संस्कार जो गलत संस्कार उतना बलवान है मानना पड़ेगा, वो बलवान संस्कार के कारण आप उसमें प्रवृत्त होगा टोट तो करके उसका परिणाम होगा। इसीलिए ये निवृत्ति शास्त्र बहुत मुख्य है, जितने प्रवृत्ति शास्त्र के उपयोगिता है उतने निवृत्ति शास्त्र के उपयोगिता, ये जो है लक्षणावृत्ति से आपको प्रवृत्त कर रहे, मतलब गलत काम से आपको निवारित करके सही काम में लगा रहा है, ऐसा है आगे बताएंगे। और वेदांत में भी ऐसे ही मानते हैं, निवृत्ति शास्त्रों का अभाव होने पर भी निवृत्ति शास्त्र एक से अलग करते हैं, तो संध्या काल में संध्या को उपासना नहीं करेंगे दूसरा काम करने जाएगा दूसरा काम मत करो बोलता है, इसका मतलब संध्या उपासना करो तो दूसरा काम छोड़ देंगे तो क्या करेंगे आप संध्या करेंगे, ये तात्पर्य होता है, चलिए इसलिए कहते हैं उसके द्वारा ये अर्थवत्व है। तथा ही यथा विधि प्रवर्तनाम प्रतिपादयन, जैसे विधि शास्त्र प्रवर्तना को प्रवर्तना मान प्रवृत्ति को बताता हुआ प्रतिपादयन, ये शास्त्रबंध का रूप है प्रथम विभक्ति एकवचन है, ये विधि शब्द पुल्लिंग में इसलिए इसको पुल्लिंग में रखा, प्रतिपादयन स्वप्रवर्तकत्व निर्वाहार्थ, वो अपने प्रवर्तकत्व की निर्वाहता करने की, मतलब कोई किसी कार्य में प्रवृत्त कर रहा है तो उसको वहां निवृत्ति शास्त्र के भी सहायता लेनी पड़ती है, वो प्रवृत्ति शास्त्र को ही पूरा करने की,
विधि शास्त्र प्रवृत्ति करने के लिए प्रवृत्त है, उसके निर्वाहकत्व के लिए, उसको पूरा करने के लिए विधेयस्य यागादेः इष्ट साधनत्वम् आक्षिपत्। विधेय जो यागादि है उसका इष्ट साधनत्व प्राप्त करा करके, आक्षिपन माने उसी को समझा करके, उसके द्वारा संबंध करा करके पुरुषम तत्र प्रवर्तयति, पुरुष में उसका प्रवृत्ति कराता है विधि शास्त्र। तथा उसी प्रकार न कलज्जं भक्षयेत् इत्यादि निषेधो भी, और इसी प्रकार का निषेध है, न कलज्जं भक्षयेत्, कलंच नहीं खाना चाहिए, ये निषेध आया है। ये कलंजम का अर्थ कई अर्थ लेते हैं, एक तो मांस लेते हैं कलंजम से, और दूसरा जो है ये हमारे गाजर आदि है, गाजर आदि को भी कलंजम कहते हैं, कोई कोई ऐसा नाम है। और दूसरा यहाँ कोई जो है सुरा, ये शराब को लेते हैं, और जो है प्याज लहसुन, तो ये प्याज लहसुन वाले अर्थ ही ये धर्मसूत्र आदि के अनुसार मुख्य माना गया है। इसका अलग अलग अर्थ है, इसमें प्याज लहसुन को पलांडू आदि जो होता है, लाल प्याज और सफ़ेद प्याज जिसको लहसुन बोलते हैं, तो ये भी नहीं खाना चाहिए कहा। और फिर उसके साथ में तंबाकू आदि है जो नशीला पदार्थ है, तंबाकू भी तो एक पौधा है, वो भी जैसा हमारा वो गोभी का पत्ता है इस प्रकार के पत्ते उसमें निकलते हैं, उसी को सुखा करके तो ये खाते हैं, तो तंबाकू आदि भी नहीं खाना चाहिए कहा। तंबाकू नहीं खाने का बहुत ये किया है, तंबाकू खाने पर उसका खोपड़ी खराब हो जाएगा, कोई आगे नहीं बढ़ सकता। कोई भी तंबाकू नहीं, कोई भी नशीला पदार्थ आप प्रयोग करेंगे तो ये आध्यात्मिक संबंधी विचार नहीं होता। और उसमें स्कंद पुराण आदि में है उसके बारे में कहा है कि ऐसा करने वाला दूसरे का निंदक बनता है और उसका मानसिक भी स्थिति खराब हो जाएगी, आगे बढ़ेगा नहीं, दोष है। तो ये बिल्कुल निषेध किया है, न कलज्जं भक्षयेत्, ऐसा निषेध किया। इस निषेध का भी अर्थ उसी के साथ संबंध करके, और यहाँ विष संवृत्त बाण से मारा गया जो मांस है ऐसा उसमें विशेष लेते, क्योंकि सारा मांस नहीं खाना बोले, ये सामान्य विधि है, सामान्य विधि है, जैसा पंच पंच नखा पक्षिया, ये विशेष विधि है, क्योंकि जब ऐसी आपत्ति की स्थिति आएगी तो तब आप ये पांच नख वाला खा सकते हैं। सामान्य विधि में विशेष विधि में अंतर होता है, तो सामान्य विधि में आप ये नहीं खा सकते। तो यहाँ विचार किया गया कि ये विषासक्त मांस खाने से, वो विषासक्त मांस के बारे में यदि आप कहेंगे तो ये तो सामान्य से ही प्राप्त है, क्योंकि विषासक्त मांस कोई नहीं खाता, क्योंकि विषासक्त बाण से मारा हुआ जो जीव है उसका मांस होगा विषासक्त होगा, विष से संपृक्त होता है, तो ऐसे में वो विषासक्त मांस नहीं खाना है बोला तो विषासक्त मांस कोई नहीं खाता है, वो तो जानता है विषासक्त है, खाएंगे मर जाएगा तो आपत्ति हो जाती है, वो तो खाएंगे नहीं, तो इसीलिए वो प्रत्यक्ष से सिद्ध होने पर इसका विधान पेश कर रहे हैं, इसका निषेध कर रहे हैं, ये कहना ठीक नहीं है। इसीलिए जो रक्त पलांडू अथवा लहसुन आदि को ही यहाँ कलंजम शब्द से लेना उचित है ऐसा कहा गया। तो इसमें संबंध करके जो गाजर आदि है, गाजर आदि भी क्या है, वो यहाँ भारतीय नहीं है, गाजर आदि विदेश से आए हैं, अब यही संबंध करके वो लोग उसको भी मानते हैं, कोई कोई गाजर आदि भी ये कलज्जम में आता आता है, गाजर आदि भी नहीं खाना चाहिए ऐसा कहा। अब गाजर का कुछ गुण भी है और कुछ दोष भी होगा उनके हिसाब से, अब वो वेद में विहित नहीं है, ये मुख्य चीज़ क्या है, वो वेद में से आयुर्वेद आदि में इसके बारे में चर्चा नहीं, वो बाहर से आया हुआ है, बाद में लाया गया है, अब वो कई चीज़ें ऐसे बाहर से आए हुए, जैसे टमाटर है, कई ब्राह्मण लोग टमाटर नहीं खाते, गाजर भी नहीं खाते, तो नहीं खाते क्योंकि उसमें ये उसको बोलते हैं ना, ये मेध्य नहीं मानते, मतलब ये या आयुर्वेद में हमारे शास्त्रों में कहीं भी इनके बारे में चर्चा नहीं, इसलिए वो नहीं मानते, और बाकी जो पहले से प्राप्त है वो तो मानते हैं। चाय कॉफी भी विदेश से आया है, चाय कॉफी भी नहीं मानते, चाय तो विदेश से आया लेकिन बोलते चाय इधर भी था,
वो पहचाने नहीं गए थे, चाइना वालों ने पहचान लिया था। चाय के पत्ते का जो पेड़ जो है हमारे जंगलों में भी था, क्योंकि अभी हमारे जंगल में भी ऐसा होते हैं, वो पहले था बोल रहे हैं, अब वो पहचाना नहीं गया। ऐसे बहुत सारे पौधे अभी जंगल में हैं जो हमारे उपयोग के लायक है, किंतु पहचाना नहीं गया। हम कोई रिसर्च नहीं करते जंगल में जाकर के कौन कौन पत्ता खा सकते हैं, नहीं गया। अब चाइना वालों ने इसको पता लगाया तो फिर प्रचार किया उन्होंने, तब जा करके हुआ, ये तो संभव है। तो चाय था या नहीं था ये मालूम है। कॉफ़ी तो बाहर से आया है और कॉफ़ी में भी यही बोलते हैं कि उधर था, और कोको है, कोको भी पहले से इधर था, किंतु कुछ लोग बोलते हैं बाहर से आया है, तो दोनों में है। तो वो जो पेड़ उसके समान पेड़ जो जंगलों में मिलता है तो उसी से पवित्र होकर निकलता है। अब उसके बारे में चर्चा तो नहीं है, चाय के बारे में कहीं भी वेद में चर्चा नहीं है, कॉफ़ी के बारे में भी कहीं भी चर्चा नहीं, उसके लिए शब्द भी नहीं है। चाय को चाय ही बोलना पड़ेगा, चाय पान ऐसे बोल देते हैं लोग, लेकिन संस्कृत में उसके लिए पद नहीं है, इसका मतलब वो है ही नहीं। अन्य कोई पद के द्वारा उसको कह रहा है, उसको पहचानना पड़ेगा। और कॉफ़ी को कफग्नि बोलते हैं, कफग्नि करके उसको नाम बनाया गया है, किंतु कॉफ़ी का भी कोई नाम नहीं है, इसलिए ये भी चाय कॉफ़ी भी बाहर हो जाता है, ये भी मेध्य नहीं है। वेद लिखित में आयुर्वेद आदि शास्त्र में हमारा कोई शास्त्र में इसका विधान नहीं आया है, इसलिए उसको छोड़ देना पड़ेगा ऐसा। तो ऐसा ये कलज है, कलज के साथ ये सब ले लेना चाहिए। इसीलिए कलजम पलांड पारिका ये सूत्र व्याख्या मिलता है ये आपस्तंभ धर्म सूत्र में, तो उसमें लक्त पलांड कलजम इत्युक्तम हरिदत्तेन। तो हरिदत्त ने रक्त पलांड को हर ये कहा, रक्त पलांड मन ये जो प्याज है इसको कलजम कहा। और वीर मित्रोदय नाम के एक ग्रंथ है जो वो भी मीमांसा का है, उसमें भी अभक्ष निरूपण में कलज को लिया गया है, लहसुन नाम के लिया गया। इसका मतलब ये लहसुन है, प्याज है, मांस है, फिर ये जितना भी बोला है इसको सब ले लेना, मदिरा है और तंबाकू है, फिर ये सब जो है कलज में आकर के इन सब को छोड़ देना पड़ेगा, ये अर्थ आ जाता है कि इसके संबंध में, क्योंकि अलग अलग व्याख्याकारों ने अलग अलग लिया, तो ये सब त्याग नहीं योग्य, क्योंकि इन सब से दोष होता है, इसलिए त्याग नहीं योग्य। लहसुन आदि बड़ी होते हैं आयुर्वेद में, बहुत सारे मांस से भी खाना मतलब ये जो औषधियाँ बनाते हैं और हड्डी से भी बनाते हैं, बहुत सारे होता है वो, तो दवाई में प्रयोग होता है, वो दवाई में प्रयोग होता है, वो दवाई जिसके लिए बीमार होता है बीमार के लिए तो दवाई के रूप में प्रयोग करते हैं। इसका मतलब दवाई का मतलब रोज खाने का नहीं, लोग क्या सोचते हैं दवाई है अच्छी चीज़ है इसका मतलब रोग जिसको पीस के खाए, ये तो करते हैं ना, ऐसा नहीं है। तो रोज खाने लायक नहीं है वो। और दवाई में तो कई प्रकार की दवाई ऐसे होते हैं, उसमें तो बहुत सारे अल्कोहल की ये जितने भी आसव है अरिष्ट है जिसमें अल्कोहल भी रहता है, तो एक प्रकार के सुरा है, उन अरिष्टों का नाम भी सुरा ऐसा है, तो वो अरिष्ट भी नहीं पी सकता, और सुरा का दूसरा नाम एक आसव भी है, तो वही आसव हम आयुर्वेद में बोलते हैं, किंतु वो दवाई में, दवाई का मतलब बीमार जब है और आप सहाय हो जाता है तब उस स्थिति में आपको मात के रूप में लिया जाता है, इसका मतलब रोज पिया ऐसा नहीं, और वो पीने के बाद उसका वो प्रायश्चित भी करते हैं, वो करते हैं। तो दवाई अलग चीज़ होती है, दवाई में तो जो जो लिया गया वो तो ऐसे ही खाएंगे, उसको सीधा आप खा नहीं सकते, जैसा दवाई में जितने मिलाते हैं वो सारे तत्वों को आप ऐसा सीधा भक्ष्य के रूप में नहीं खा सकते, भक्ष्य और दवाई में अंतर होता है। और दवाई को यदि आपने भक्ष्य बना दिया तो क्या हो जाता है, वो शरीर में भक्ष्य का काम करेगा, दवाई का काम नहीं करेगा। इसका मतलब समझ लो आप प्रतिदिन एक ही दवाई ले, प्रतिदिन ले रहा वो कम से कम 40 दिन से ज़्यादा आप लेंगे, रेगुलर एक ही दवाई को देंगे, शरीर उसको दवाई नहीं मानेगा, उसको भक्ष्य मानेगा, उसके बाद वो दवाई काम करना बंद कर देगी, उससे आगे बढ़ जाता है। ये थियरी ये लोग नहीं जानते, ये एलोपैथी वाले नहीं जानते, ये आयुर्वेद में इसके बारे में कहा गया, दवाई का उपयोग निश्चित समय के लिए होना चाहिए और उसमें बीच में गैप छोड़ते हैं उसके बाद होता है, नहीं तो शरीर में दवाई का असर होगा नहीं, जितना पहले हो रहा था उसका 50% कम हो जाता है, धीरे धीरे वो असर ही कम हो जाएगा, वो खाना मान लेगा। आप जो है ना विष भी खा सकते हैं, थोड़ा थोड़ा करके खाएंगे तो विष भी बाद में खाने के रूप में आप चटनी जैसा खा सकते हैं, कुछ नहीं होगा, वो शरीर उसके साथ एडजस्ट हो जाता है। अब कितने लोग ऐसे खा खा करके प्रैक्टिस किया अपने दिखाने के लिए, सिद्धि बनाने के लिए, ये पेप्टिसाइड है ऐसे ऐसे विष थोड़ा 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 खा करके
पूरा विश्व का डब्बा ही पी लेते, कुछ नहीं होता, तो वो अलग बात होती है। तो वो अंदर जाते हैं फिर धीरे धीरे वो होता है, क्योंकि शरीर में उतना सिस्टम बना के रखा है। आप रेगुलरली वो शरीर क्या सोचेगा, बेचारे को दूसरा खाना नहीं मिल रहा है इसलिए ये खा रहा है, ये जो सब दवाई कर रहा है वो भी खाना होगा। अब जैसे चटनी आज हम खाते हैं, अचार खाते हैं, तो वो ऐसा होता है। अब कई सारे अचार भी ऐसा है, हम तो खाते हैं हजम करते हैं, क्योंकि दूसरे लोग जो नहीं खाते हैं अचार वो खाएंगे तो बीमार पड़ जाते हैं। एक बार अचार खाएंगे बीमार पड़ जाएगा, वो विष का काम करता है। और हम लोग बचपन से खा के आदत है, हम खाएंगे हमको नहीं, ये अंदर है, इसको समझना चाहिए। इसीलिए दवाई के लिए कहा है, इसका मतलब हमेशा खाएं ऐसा नहीं, हमेशा खाने के लिए मना किया है। दवाई खाने का तो वो तो दवाई के रूप में तो बहुत कुछ होता है, ऐसे नहीं, दवाई बहुत सारे इस्तेमाल भी करते हैं ये सब। कि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य